ने कहा कि पूर्व में तुम्हारे पिता ने तुम्हें सही कहा, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, मानवस्थ और फिर संन्यास, यही श्रेष्ठ क्रम है। तब श्री सुखदेव कहते हैं कि राजा जनक, यदि कहते हैं कि भगवान का गुणगान करने से मन को बहुत शांति मिलती है और इंसान को परेशानियों से मुक्ति मिलती है, वहीं राम नाम की अमृत वर्षा का लाभ आप भी ले सकते हैं। दरअसल श्री कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी के बैनर तले स्टेशन रोड स्थित दुर्गा भवन मंदिर में वृंदावन से पधारे गोस्वामी श्रद्धा ब्रजेश कृष्णा महाराज के मुखारविंद से 9 दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण कथा की अमृत वर्षा चतुर्थ दिवस भी जारी रही। श्री कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी द्वारा 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस कथा व्यास ने श्रोताओं को मानवता का पाठ पढ़ाया, फिर चतुर्थ कूष्मांडा देवी की कथा का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर उपस्थित सभी श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथा स्थल पर पुरोहित गोपाल दत्त एवं आचार्य उमेश पांडे के द्वारा पूजा अर्चना विधिवत सम्पन्न कराकर सभी भक्तों के रोली चावल का तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया गया। कथा व्यास ने चतुर्थ दिवस पर माँ भगवती के चतुर्थ रूप कूष्मांडा देवी की कथा का वर्णन करने से पहले कथा स्थल में मौजूद श्रोताओं को मानवता का पाठ पढ़ाया। मानव योनि कष्ट एवं टेंशन से मुक्त रहे, कहा कि पूजा पाठ में अच्छा पैसा अच्छे मन से लगाना चाहिए ताकि पैसा चौगुना हो जाए। भजन मंडली जिसमें तबले पर सुनील कुमार आयुष रहे, आर्गन पर अखिलेश, मंजीरे पर हिमांशु, भजन की प्रस्तुति का आरंभ होते ही भक्तों ने नृत्य करना शुरू कर दिया। वहीं प्रभु की कृपा धीरे धीरे पर श्रोता झूमने लगे। कथा में बताया गया है कि मां कूष्मांडा ने सृष्टि का विस्तार किया। कार्यक्रम में डॉक्टर शशि अरोड़ा, किरण सिक्का, अंजू शर्मा, ममता खन्ना, अनूप गोयल, उमा शर्मा, मनोहर लाल आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।